हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर युगांडा में गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व। ईरान में बलूची आतंकवादी ठिकानों पर हमले के लिए पाकिस्तान ने चलाया ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर। चीनी स्टार्टअप बीटा वोल्ट ने दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का किया अनावरण। TCS बनी दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड। केंद्र सरकार ने की फारसी को 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा बनाने की घोषणा। आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए सेना ने जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया ऑपरेशन सर्वशक्ति। पूर्व CJI गोगोई को असम वैभव और हिमा दास को असम सौरभ पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। तेलंगाना में मवेशियों का त्यौहार कानुमा का हुआ आयोजन। छत्तीसगढ़ ने महतारी वंदना योजना की प्रारंभ। असम सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किया प्रारंभ। रोहित शर्मा बने T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।